वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं फिर से आ गई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके। तो किसी भैया ने मुझे बोला था कि आप इस तरह से तौलिए को अपने गीले बालों में बन करके रखिएगा। तो देखिए, ये मैंने बन बनाया है। यहाँ पे देखिए, मैंने बन बनाया है और ये मैंने न्यू साड़ी वेयर किया है और इसका ब्लाउज डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ आपको वीडियो में पता चल जाएगा और क्यों जा रही हूँ वो भी पता चल जाएगा। देखिए, मैं अभी इस तरह से बन बना ली हूँ और अभी मैं अपने बालों को सुखाऊँगी। तो मेरे अभी गीले बाल हैं, तो मेरे पास तौलिया नहीं है, तो इसीलिए मैं अभी गमछे की सहायता से सुखाऊँगी अपने बालों को। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि झाड़ना नहीं चाहिए बाल को, नहीं तो दो मुँहे बाल हो जाते हैं। पर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ मैम आप झाड़ के बताइए, तो मैं झाड़ दे रही हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से। अभी देखिए आप लोग, मैंने झाड़ लिया है अपने बाल को और अब इसका सारा पानी गर गया है। अब सिर्फ हल्का सा धूप लगेगा तो ये सूख जाएगा। देखिए, मैं सूख गया और अभी मैं कपड़े डालने आई हूँ, तो अभी मैं डाल लेती हूँ कपड़े सारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, यहाँ पे मैं आई हूँ जगन्नाथ मंदिर और ये बोकारो में पड़ता है, तो वहीं पे आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो आज ये पूजा मैं किस खुशी में कर रही हूँ तो आपको बताऊँगी कि, तो क्योंकि मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरा हो गया है, इस वजह से मैं आज यहाँ पे मंदिर में पूजा करने आई हूँ। तो देखिए, मैंने पूजा कर लिया है और मेरे साथ मेरे बच्चे आए हैं। देखिए, मेरी बेटी भी आई है और अभी मैं इसका पूरा लुक दिखाऊंगी, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। तो अभी मैं दिखाऊंगी कि ये मंदिर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है ये मंदिर देखने में। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा, ये बहुत बड़ा ही मंदिर है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं देखिए इसके अच्छे अच्छे व्यू दिखाऊँगी आपको। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी है यहाँ पे और मेरा बेटा भी आया है और ये दो है, तो मेरे भाई हैं वो भी आए हैं, तो वो भी घूम लेंगे। और देखिए,
तो देखिए यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था, तो उसमें प्रार्थना कर ले रही हूँ। पूजा करने का तो अति नहीं था, बंद रहता है, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रार्थना कर ले रही हूँ। और मैंने सोचा कि मेरा 1K सब्सक्राइबर अभी तो 1+ हो गया है, तो कंप्लीट हो गया है, तो केक काटने से अच्छा है कि मैं मंदिर में जाके भगवान जी का आशीर्वाद लूँ, ताकि मुझे और आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे। तो इसीलिए मैंने मंदिर में आके भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए मैं आ गई। और इससे अच्छा मौका यहाँ पे ये है सूर्य मंदिर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ। ये है सूर्य मंदिर। हाँ। और अभी और मैं दिखाऊंगी आप लोग बहुत सारे मंदिर है आप लोग। इसका इस तरह है, बहुत ही प्यारा लगता है ये देखने में। बहुत ही शांत जगह है, आपको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप बोकारो से हैं तो यहाँ पे जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। और बहुत ही शांत जगह है, मन को शांति मिलती है यहाँ पे। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी रहता है, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए मैं भगवान का आशीर्वाद लेने आ गई, और मुझे इतना बड़ा मौका भी मिल गया आशीर्वाद लेने का। और देखिए मैं अभी ये सारे लुक दिखाऊंगी मंदिर के। ये देखिए, ये है नवग्रह मंदिर, आप लोग देख सकते हैं श्री नवग्रह मंदिर। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे अभी सारे ये लोग ही मिलते हैं आपको अंदर पूजा करने के लिए, नहीं मिलते हैं तो मैं अंदर से दिखाऊंगी। तो देखिए ये है नवग्रह मंदिर। ये दुर्गा मंदिर है और ये माता का मंदिर है, तो अभी मैं दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं वहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो वहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है। और उधर है जो हनुमान मंदिर है और गणेश जी का है, तो वहाँ पे भी मैंने पूजा कर लिया है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं राम से दिखाऊंगी, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ, जो होते हैं तो वही परिक्रमा मैं कर रही हूँ। तो मैंने देखिए परिक्रमा साथ में मेरा बेटा भी कर रहा है, तो देखिए कैसे उछल रहा है वो। और अभी मैं कर ले रही हूँ। और मैंने एक बार फिर पहले भी आई थी मैं इस मंदिर में, और ये मेरा दूसरी बार है। तो भगवान ने चाहा तो फिर से मैं आऊँगी, अगर भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं फिर से आऊँगी इस मंदिर में। और आप लोग भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंदिर है, एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, शांति का एहसास होगा आपको। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग जानते ही हैं कि मैं विष्णु भगवान की कितनी बड़ी भक्त हूँ, मैं उनकी हमेशा पूजा करती हूँ। तो इसीलिए मैंने इस मंदिर में आने को और अपना खुशी जाहिर करने को सोचा, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है कि मेरे इतनी बड़ी खुशी, जो मेरे 1K सब्सक्राइबर अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी इसीलिए मैं किसी को नहीं बता रही थी, सेलिब्रेट नहीं कर रही थी कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसीलिए तो अभी ये यहाँ पे देखिए ये शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा करने का अलाव है, तो गेट भी यहाँ खुले रहते हैं, तो यहाँ पर मैं पूजा कर लेती हूँ, और मेरे बच्चे भी कर लेंगे। और मैंने सारे मंदिर में माथा टेक लिया है, और जो मेन मंदिर है उसमें भी मैंने पूजा कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये देखने में। तो देखिए मैं भी पूजा कर लेती हूँ।
देखने में और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और बहुत सारे हैं फ्लावर, आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे। देखिए आपको दिखाऊंगी, तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए देखिए लोग देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। अभी मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये जो गेंदे के होते हैं, मतलब कि सारे वैरायटी हैं गेंदे के फूलों के और गुलाब के हैं, सब हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे मंदिर की पूजा कर ली है सारे भगवान की, और यहाँ पे मैं आखिरी बार इसका लुक दिखा दे रही हूँ फुल लुक, तो ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को अच्छा लगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो